हेलो गाइस, मैं शिल्पी। वेलकम। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूं। अगर आप न्यूली ब्राइड है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक एंड बराबर में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे डाबर का गुलाब जल यूज किया है। एक कॉटन पैड की हेल्प से उसको पूरे फेस पर मैं अप्लाई कर लूंगी, जिससे कि मेरे जो फेस की डलनेस है वो सब रिमूव हो जाए और फेस थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाए। इसको लगाने के बाद मैं 2-3 मिनट्स के बाद अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे निविया का एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम ली है। गाइज, ये क्रीम काफी ज्यादा अच्छी है, फेस को डीपली हाइड्रेट कर देती है एंड फेस पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है, फेस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इसको मैं पूरे फेस नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी अपने। उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB का प्राइमर लिया है। गाइज, ये काफी अच्छा प्राइमर है, पूरा इसका टेक्सचर वैसे है जैसे कलर बार का प्राइमर है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अब मैं इसको अपने चीक्स पर, फोरहेड पर एंड नोज पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, जिससे कि मेरे पोर्स ब्लर आउट हो जाए और मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है। पहले मैं आई मेकअप करूंगी, उसके लिए सब मैं अपनी इसको अंडर आईज एंड आईलिड पर अप्लाई कर लूंगी। ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस हमारा कंसीलर है एंड जो इसमें मेरा शेड है गाइस वो मीडियम है। अब मैं इसको अपनी पूरी आईलिड पर और अंडर आईज पर पूरे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, जिससे कि मैं जो आई शेडो लगाऊ वो अलग से पॉपअप होके आए उसके कलर। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। सेम मैं दूसरी आईज पर भी ऐसे मैंने इसको कर लिया है। उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स के लिए मैंने यहाँ कलर बार का लूज पाउडर लिया है, उसको लिड पर निकाल लिया है एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको आईज पर लगाऊंगी और एक ब्रश की हेल्प से उसको सेट कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मर्फी का आई शेडो पैलेट लिया है एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ट्रांजेक्शन शेड को लिया है, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है एंड जो मेरा इनर कॉर्नर है वहां पर मैं इसको सर्कुलर मोशन में लगाऊंगी। इसको हमें सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करना है, जिससे कि हमारी आईज थोड़ी बड़ी लगे। बस मैंने इसको अपनी क्रीज लाइन पर ही लगाया है। उसके बाद सेम मैं ऐसे ही दूसरी आईज पर भी अपना ट्रांजेक्शन शेड अप्लाई कर लूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा शिमरी शेड लिया है, बिकॉज जो मेरी साड़ी है उसमें गोल्डन कलर का काम है, तो मैंने यहाँ पर इसकी अपनी इनर कॉर्नर से स्टार्ट किया है। मैंने इसको अपनी फिंगर रिंग से अप्लाई किया है, बिकॉज फिंगर रिंग से जो आई शेडो का पिगमेंटेशन आता है वो काफी ज्यादा अच्छा आता है और वो इजिली अप्लाई हो जाता है। अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको स्मच कर लूंगी एंड सेम मैं दूसरे आईज पे भी ऐसी करूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मरून शेड लिया है, बिकॉज मेरी साड़ी में जो है वो दूसरा शेड मरून है और मैं उसको अपने आउटर वी पर लगाऊंगी फिंगर की हेल्प से। अब जो भी फॉल आउट हुआ होगा उसको एक ब्रश की हेल्प से उसको रिमूव कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ फाउंडेशन अप्लाई किया है। गाइज, मैंने यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन लिया है, काफी अच्छा फाउंडेशन है ये एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। आई थिंक आपको ये 100-120 की रेंज में मिल जाएगा। कवरेज इसका काफी अच्छा है और जो इसमें मेरा शेड है गाइज वो इसमें मुझे इसका शेड नहीं दिख रहा है, मेरा नेचुरल पर्ल। इसमें मेरा जो शेड है वो नेचुरल पर्ल है। अब मैं इसको अपने पूरे चीक्स पर, नोज पर, पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूंगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको मैंने पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पहले वेट कर लिया था, उसके बाद ही इसको मैंने ब्लेंड किया है फेस पर। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कवरेज आया है। अगेन मैं जो मेरे थोड़े से डार्क सर्कल है उसको पे दोबारा मैंने कंसीलर अप्लाई किया है एंड मेरे जो हाईलाइट पोर्शन है उस पर। उसके बाद मैंने सेम कलर बार का लूज पाउडर लिया है और उसको मेकअप को मैं सेट कर लूंगी। हम अब आईब्रोज को फिल करेंगे। आईब्रोज को फिल करने के लिए पहले मैंने स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रो को एक बार कॉम कर लिया है और यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पाउडर लिया है और उसमें ब्राउन शेड से एक एंगल ब्रश की हेल्प से इसको फिल कर लूंगी। मैंने बहुत ही लाइट फिल किया है, कोई डार्क फिल नहीं किया है। मैंने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया है। अब स्पूली की हेल्प से उसको फिनिश कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर मैंने लाइनर अप्लाई किया है। लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मे का लाइनर लिया है, जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक विंग लाइनर को अप्लाई किया है। मैंने थोड़ा लॉन्ग विंग लाइनर अप्लाई किया है गाइस। अब मैं सेम दूसरी आईज पर भी ऐसी लाइनर अप्लाई कर लूंगी। लाइनर हमारा अप्लाई हो गया है, उसके बाद यहाँ पर हम मस्कारा लगाएंगे, सॉरी उसके बाद यहाँ पर हम काजल लगाएंगे। काजल के लिए मैंने यहाँ पे NYB की काजल ली है। ये काफी अफोर्डेबल है, आपको 50-60 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगी और ये स्मच प्रूफ है और काफी अच्छी है, एकदम जेड ब्लैक है। मैंने सिर्फ अपने काजल को वाटर लाइन पर ही लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा लिया है, काफी अच्छा मस्कारा है, वॉल्यूम दे देता है लैशेस को, लेकिन बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है बिकॉज ये जेल बेस है। मस्कारा मेरा अप्लाई हो गया है, उसके बाद यहाँ पर मेरे को ब्लश करना है। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लिया है और स्माइल करते हुए हम अपनी जो चीक्स बोन्स है उस पर हम ब्लश को अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाइलाइटर लिया है। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ शिवाना का हाइलाइटर यूज किया है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से जो मेरे चीक्स बोन्स हैं उस पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा हाइलाइटर है, एक अलग सी शाइन एंड हाइलाइट ग्लो हो गया है मेरे चीक्स पर और इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही सेटल सा हाइलाइटर है। अब मैंने सेम हाइलाइटर से अपनी आईब्रोज को, जो मेरी बोन्स हैं उनको हाइलाइट कर लिया है और जो इनर कॉर्नर्स हैं मेरे आईज के उसको, इससे मेरी आईज थोड़ी डिफाइन होंगी और थोड़ी बड़ी लगेंगी बिकॉज मेरी आईज थोड़ी चिंकी मिंकी सी है। अब मैंने यहाँ लिपस्टिक के लिए फेसेस की लिपस्टिक ली है, इसमें मैंने जो इसका रेड शेड है उसको अप्लाई किया है। इसका शेड काफी ज्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं कलर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल आया है गाइस। अब हम मेकअप को फिक्स कर लेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर लिया है और उसको अब हम वेट कर लेंगे। एंड गाइस लुक एट दिस, मेकअप इज रेडी गाइस। अब मैं फटाफट से चेंज करके आ जाती हूँ। तो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, कैसा लगा आपको ये लुक? अगर आपको लुक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा था ये लुक। और मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है style.and.dine। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।